हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम टू रेकर पार्टी यूट्यूब चैनल। तो बच्चा आज तेरे बीच एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ताबड़तोड़ वीडियो लेकर आया हूं, और मुझे लगता है कि ये वीडियो तेरे अंदर, तेरे खून में जरूर एक आग लगाएगा कुछ करने के लिए। तो तैयार हो? 2024 को बच्चा एक बात याद रखना, 2023 तक जो कुछ भी था, क्या अच्छा आपने किया, क्या अच्छा नहीं किया, क्या आपको अच्छा करना चाहिए था जो आपने नहीं कर पाया, क्या आप अच्छा करना चाहते थे जो 2023 में नहीं कर पाए, तो पहले आप उसको क्या करो, एनालिसिस करो। 2023 को बच्चे क्या करो, एनालिसिस करो। एनालिसिस मतलब पता करो कि क्या क्या ऐसा था जो आप सच में दिल से चाहते थे कि मैं करूं, लेकिन आपने नहीं कर पाया। टेंशन नहीं लेना, क्योंकि 2023 में अपन सिर्फ चाहते थे कि मैं ये कर जाता, वो नहीं हुआ। आज मैं तेरे को ना एक सॉलिड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देने वाला हूं 2024 के लिए। बनना चाहते हो रॉक स्टार, बनना चाहते हो लेजेंड? यदि यस, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि सर मैं 2024 को एक बेहतर साल बनाना चाहता हूं, अपने जिंदगी का सबसे ताबड़तोड़ ईयर बनाना चाहता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट में लिख के बताओ, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप कमेंट में लिख के बताओ। आज मैं तुम्हारे बीच 2024 कैसे बेहतरीन साल हो पाए, कैसे तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतर साल हो पाए, इसके लिए मैं कुछ फॉर्मूला टाइप का कुछ टिप्स दूंगा, जिसको यदि आप फॉलो कर गए बच्चा, तो तुम यार मचा दोगे, तुम फोड़ दोगे जिंदगी में, अपने माँ बाप का, अपने समाज का, साथ ही साथ देश का नाम इतना आगे लेके जाओगे उसकी कोई ठिकाना नहीं होगा। तो बस जो मैं बता रहा हूं उसको डिटो फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि हम भी, मैं खुद भी ये फॉलो कर रहा हूं, और 2024 में करूंगा अच्छे से और भी अच्छे से, है ना। तो अपन साथ साथ चलेंगे, चलोगे ना, करोगे ना फॉलो, चलिए करते हैं। तो बच्चा मैं आज आपको 2024 का रेजोल्यूशन लेना बता रहा हूं, 2024 के लिए रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब कमिटमेंट, संकल्प, दृढ़ संकल्प। जिंदगी में ना अगर बड़ा फोड़ना है ना बच्चा, तो दृढ़ संकल्प लेना बहुत जरूरी है। जो संकल्प जो नहीं ले पाता है ना, वो जिंदगी में आगे बढ़ भी नहीं पाता, समझ लो। संकल्प लेना है, और संकल्प किसका, तो यहां पर देखो माइंड सेट। दुनिया में ना हर कुछ माइंड सेट ही है। अगर कोई इंसान अपने दिमाग में जीत गया ना, ऐसे तो जीत ही जाएगा, समझ लो। अगर कोई इंसान अपने दिमाग में जीत गया कि यस आई एम अ ट्रू विनर, तो एक दिन लोगों को दिखेगा, समझ लो। अगर तुम मान लिया ना अपने खोपड़ी में कि यस आई एम अ ट्रू लेजेंड, तो एक दिन दुनिया को दिखेगा रे, समझ लो, एक दिन दुनिया को दिखेगा। तो आज तेरे को ना माइंड सेट, तुम्हारा 2024 में कुछ रिजोल्यूशन, कुछ कमिटमेंट करवाने वाला हूं, और कमिटमेंट यह है कि आपको माइंड सेट इतना तगड़ा बनाना है 2024 में कि पूछो मत। और यही माइंड सेट बच्चा तुमको वो सब कुछ दिलाने का जज्बा और जुनून रखता है जो जिंदगी में शायद लोग को चाहिए होता है, समझो। तो अगर तुम भी चाहते हो कि अपन लेजेंड बने, एक आने वाला कल का योद्धा बने, माँ बाप का नाम आसमान में लहराना चाहते हो, तो बस माइंडसेट 2024 के लिए जो रिजोल्यूशन है, माइंडसेट इसको अच्छा करना, समझ में आया। आओ देखते हैं माइंडसेट में क्या क्या है। तो माइंडसेट के अंदर कुछ मैं पॉइंट्स लिखा हूं, 8 पॉइंट्स, तुम अगर देखना चाहते हो तो देख लो, मैं बारीकी ढंग से इसको क्या करने वाला हूं। देखो 8 को मैं इंग्लिश में लिखा हूं, इसका मैं हिंदी भी बताता हूं। तो माइंड सेट तैयार कैसे होगा 2024 में, रिजोल्यूशन ये है कि माइंड सेट तैयार करना है। तो माइंड सेट तैयार कैसे होगा, तो पहला बात है क्या लिखा मैं, डू नॉट यूज मच मोबाइल फोन। ये मोबाइल फोन है ना, यही जिंदगी को झंड बना दिया बहुत लोगों का, समझ लो। ये जो मोबाइल फोन है ना, ये जिंदगी को झंड बना दिया है ज्यादातर यंगस्टर को, समझ लो।
कुछ लोग मोबाइल से फोड़ रहा है और कुछ लोग मोबाइल के कारण फूट गया है, समझ लो। तो तुमको करना क्या है बच्चा, डू नॉट यूज मच मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करना बंद करना, समझ लो। 2024 का माइंडसेट का पहला रेजोल्यूशन कि तुमको जो मोबाइल फोन है ना उसको इस्तेमाल करना बंद करना है। जरूरत पड़े तो करना है, फालतू चीजों के लिए नहीं करना है। फालतू चीजों क्या है, जैसे मैं यहां पे लिखा हूं, सोशल मीडिया क्या हुआ, दिन भर ऐसे जो फेसबुक चलाते रहते हो ना, दिन भर इंस्टाग्राम देखते रहते हो, रील्स वगैरह देखते रहते हो, उससे कुछ होना जाना है नहीं, समझ लो। उससे जिंदगी बनना जाना है नहीं, वो जिंदगी झंडी करेगा, समझ लो। व्हाट्सएप पे देखते रहते हो कौन मैसेज किया कौन मैसेज नहीं किया। तो आपको पहला माइंडसेट का पहला नियम क्या कि 2024 में डू नॉट यूज मच मोबाइल फोन फॉर सोशल मीडिया, समझ गया। सोशल मीडिया पे ज्यादा व्यस्त रहना बंद करो, काम का चीज ही करेंगे, फालतू का मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पहला रेजोल्यूशन किसके लिए, माइंडसेट के लिए पहला। दूसरा देखो क्या लिखा है, डू नॉट कंप्लेन मतलब दूसरों को ये बताना बंद करो कि यार मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाया ना क्योंकि ये हो गया था, मैं वहां जा नहीं इसलिए पाया ना क्योंकि ये हो गया था, समझ लो। मैं बोला ना कि जिंदगी में एक फॉर्मूला याद रखना, अगर तुम्हें लेजेंड बनना है ना तो एक बात याद रखना, अगर कुछ अच्छा हो जाए ना, अच्छा अगर कुछ हमसे अच्छा हो जाए ना तो इसका श्रेय कभी भी हम अपने को नहीं लेना चाहिए, दूसरों को देना चाहिए। अगर आपके चलते अगर जिंदगी में किसी को कुछ अच्छा हुआ तो उसका श्रेय आप खुद मत लो, दूसरों को लो। लेकिन कुछ गलती हो जाए ना, कुछ गलती चाहे आपके चलते हुआ हो या ना हो, लेकिन अगर ले सकते हो ना तो उसका जिम्मेवारी आप लो कि यह मेरे वजह से हुआ। जब भी गलत हो कुछ तो उसका जिम्मेदारी लो कि यह मेरे वजह से हुआ है, और जब भी अच्छा कुछ हो तो उसका श्रेय दूसरों को दो। इससे तुम क्या रहोगे, डाउन टू अर्थ रहोगे, समझ रहे, घमंड नहीं आएगा। अक्सर हम लोग ऐसा करते नहीं है, कुछ गड़बड़ होता है ना जिंदगी में, बोलता है वो तो फलाना के चलते हो गया, वो तो ढिमकनमा के चलते हो गया, लेकिन कुछ अच्छा हो जाता है तो अपना मोच ऐसे करने लगते हैं, है ना, मोच ऐसे करते हैं, अरे ये तो मैंने किया, ऐसा इस बार नहीं करना है 2024 में, ठीक है। कंप्लेन नहीं करना है, कुछ भी अगर गलत हुआ बोलो यस मैं हूं उसका जिम्मेवार, मेरे वजह से हुआ, और कुछ अच्छा हो जाए तो बोलो भैया ये तो प्रभु का कृपा है, समझ लो, प्रभु का कृपा है। हनुमान जी जानते हो ना, हनुमान जी की तरह मतलब बनना सीखो, ठीक है। डाउन टू अर्थ, डू नॉट कंपेयर, दूसरा क्या है, डू नॉट कंपेयर, आप किसी से तुलना मत करो कि वो गोरा है मैं इतना काला क्यों दिखती हूँ या दिखता हूँ, वो बहुत तेज है मैं इतना कमजोर कैसे हूँ, पता नहीं मेरे को ऊपर वाला कमजोर ही क्यों बनाया। अरे कंप्लेन मांगता नहीं है जिंदगी में, कंप्लेन नहीं मांगता। अगर जिंदगी बनाना चाहते हो तो कंप्लेन ना करो, कंपेयर भी ना करो, कंप्लेन भी ना करो, समझ लो। कंपेयर करोगे तो ऊपर वाला का बदनामी होगा, अल्लाह खुदा जो भी भगवान जो भी कुछ है सबका बदनामी होगा, क्योंकि तुमको स्पेशल बनाया गया है। तुम इस पूरे दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, उसमें से तुम कहीं नहीं आते, तुम यूनिक हो, स्पेशल हो, तुम्हारे अंदर एक अलग और बहुत अच्छा वाला होना दे भेजा है। पर यार काहे तुलना कर रहे हो तुम, यार तुलना करना बंद करना। अगर तुम कमजोर स्टूडेंट हो तो तुलना नहीं करना, मेहनत शुरू करना है। कोई तेज पैदाइश नहीं होता है, मेहनत कर करके होता है, ठीक है। तो दूसरा 2024 का दूसरा रेजोल्यूशन, डू नॉट कंपेयर, ना तो कंप्लेन करना है शिकायत और ना ही कंपेयर करना है तुलना, ठीक है बच्चा। दूसरा पॉइंट, तीसरा देखो स्लीप वेल, 2023 में 24 में क्या करना है तुमको, अच्छा नींद लेना। अच्छा नींद क्या होता है, 6 घंटा मिनिमम, 8 घंटा मैक्सिमम, तो 6 से 8 घंटा का नींद पर डे लेना ही लेना है, चाहे टेंशन कितना भी आ जाए, ठीक है। तो अच्छा सो, एक्सरसाइज थोड़ा एक्सरसाइज करो यार, क्योंकि बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होना जरूरी है ना, और ब्लड जितना सर्कुलेट होगा ना उतना ज्यादा एनर्जी रहेगा बच्चों, समझ लो। तो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह किया करो यार। और उसके बाद क्या लिखा, ईट वेल, खाना भी अच्छा खाओ, है ना। हम लोग दिन भर ना पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं, अगर गलत संगत मिल जाए ना पता नहीं क्या ही खा रहा होता। तो खाना भी अच्छा खाओ, एक्सरसाइज भी थोड़ा करो, और तीसरा क्या है, सो अच्छे से, 6 से 8 घंटा का नींद जरूर लीजिए, ठीक है, ताकि ब्रेन शांत रहेगा, और जिसका ब्रेन शांत है वो दुनिया को
हिलाने का काबिल रखता है, समझ लो, जिसका ब्रेन साथ है ना वो पूरा दुनिया को हिलाने का काबिल रखता है, इसीलिए ब्रेन शांत होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा से सोइए, अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए और थोड़ा अच्छा से खाना पीना खाने की कोशिश करो। ठीक है बच्चा, तो ये तीसरा रिजोल्यूशन। चौथा, डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स। डिसिप्लिन मतलब एकदम ताबड़तोड़ डिसिप्लिन हो जाओ कि मुझे मान लीजिए कि कोचिंग जाना है 8 बजे, तो बस जाना है भाई, चाहे कोई भी काम आ जाए मेरे को जाना है तो जाना है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा, मैं अगर एक स्टूडेंट हूं ना तो मैं ये जो स्टूडेंट का ठेपा लगा के घूम रहा हूं ये इसलिए नहीं मिला है ताकि मैं किसी को लड़का बांधने जाओ तब, या कहीं लड़की बांधने जाओ, या खुद देवानी पूजा में जाके शामिल करो, इसलिए ठेपा नहीं मिला है। ये ठेपा किस लिए मिला है? ताकि तुम पढ़ो, है ना, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो तभी तुम स्टूडेंट हो। तो इसीलिए पहला ड्यूटी आपको होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं एक स्टूडेंट हूं तो मेरा पहला कर्तव्य बनता है मेरा एजुकेशन, मेरी पढ़ाई। इसीलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूं शायरी के माध्यम से कि भूल जाओ तुम कौन हो, बस एक बात तुम याद रखो, भूल जाओ तुम कौन हो, बस एक बात तुम याद रखो, सबसे पहले है अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखो। समझो, सबसे पहले अपना काम, बाकी सब बाद में, इसलिए पहले अपना काम करो। ठीक है, तो आप इतना डिसिप्लिन हो जाओ ताकि आपको पता चलना चाहिए कि आपका पहला काम क्या है, पहले वो करेंगे फिर दूसरा करेंगे। ठीक है, और रिस्पेक्ट करना, एल्डर मतलब बड़ों का, बड़ों में कौन हो गया, माता पिता गुरु और भी जो आपसे बड़े हैं, जो भी आपके चाचा है भतीजा है चाची है जो भी कुछ है ना, जो भी आपसे बड़े हैं भैया है जो भी, उनको बेहद रिस्पेक्ट करना है, बिल्कुल दिल में उनको जगह रखना है। ठीक है, उनका हमेशा दिल में जगह देना है, समझ लो, जो भी आपसे बड़े हैं उनसे, उनको क्या करना है, बिल्कुल रिस्पेक्ट, ये जरूरी है, और छोटों से प्यार करना है। ठीक है बच्चा, तो ये चौथा पॉइंट था कि डिसिप्लिन होना है, कैसे होना है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा काम क्या है उसको करेंगे और बड़ों को इज्जत देगा। ठीक है, पांचवा, कह रहा स्टार्ट वर्किंग एटलीस्ट 8 आवर्स पर डे। इसका मतलब क्या हो बच्चा, कि आप ना यदि बड़ा बनना चाहते हो ना तो बड़ा बोलने से थोड़ी हो जाएगा, क्या लगता है, बड़ा खाली बोल देंगे तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा बोलना नहीं पड़ता है, पहले सोचना पड़ता है बड़ा, इसको माइंड से बोल रहे हैं, उसके बाद एक्शन में लाना पड़ता है, एक्शन में, है ना, होता है ना, एक्शन हैज मोर साउंड देन रिएक्शन, रिएक्शन मतलब बोलना, एक्शन मतलब करना, तो करने से, बोलने से ज्यादा करने में प्रभाव आता है, समझ लो ना, तो इसीलिए स्टार्ट वर्किंग एटलीस्ट 8 आवर्स पर डे। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो ना बच्चा, तो आप 8 घंटा ना ताबड़तोड़ मेहनत करो पर डे डिसिप्लिन के साथ, 2024 में करना है तुमको, जो एग्जाम देंगे बच्चे चाहे वो क्लास 10 का हो या 12 का हो, वो तो काट बांध लेना, जो 1.5 महीना बच्चा है ना या 1 महीना 12 के लिए, गांठ बांध लेना, गांठ, समझ लो ना, और अगर फॉलो कर गया ना जिंदगी नया बन जाएगा भाई, नया जिंदगी बन जाएगा बच्चों, समझ लो, तो इसीलिए 8 घंटा मेहनत करना जरूरी है। सोचो हम लोग के पिताजी, आपका पिताजी कितना घंटा मेहनत कर रहे होंगे, 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा 15 घंटा, वो भी कहां, दिल्ली बॉम्बे पंजाब हरियाणा जाके, वो भी क्या आपके जैसे कलम नहीं चला रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे, नहीं तो सोचिए, अगर वो इतना ज्यादा घंटा मेहनत कर रहे हैं तो क्या मैं मेहनत नहीं कर सकता, वो अगर मेहनत कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, हम लोग को ले, हम लोगों के लिए, है ना, तो क्या वो मेरे पिताजी मेरे लिए मेहनत करने के लिए दिल्ली बॉम्बे पंजाब हरियाणा चले गए तो क्या मैं अपने लिए मेहनत नहीं कर सकता क्या, वो भी क्या पेन से कॉपी से, कितना बढ़िया इज्जत वाला मेहनत, रिस्पेक्ट वाला मेहनत, तो क्या लगता है करना चाहिए अरे, इसीलिए मैं बोलता बच्चा अगर तुमको एक बढ़िया इंसान बनना है ना तो मेहनती होना सीखो, तो पहले मेहनती के लिए 8 घंटा पर डे गांठ बांध लीजिए कि करना ही है 2024 को बेहतर साल बनाने के लिए, जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ ईयर बनाने के लिए यू हैव टू फॉलो दिस ऑल द प्रोसीजर गिवन। ठीक है, ये पांचवा था। छठा इधर आओ, क्या लिखा, मेक अ डेली रूटीन। सुबह ना, सुबह जब तुम उठो ना तो तेरे दिमाग में ना क्लियर होना चाहिए इमेज कि मेरे को आज क्या क्या करना है। बहुत लोगों का रहता नहीं है, सुबह उठेगा
तो ओ अच्छा बाथरूम जा रहा है, ओ अच्छा चले जाते हैं बाथरूम से, ओ हो मुंह भी धोना है, ओ अच्छा अच्छा हम तो सोच रहे थे बासी मुंह खाएंगे। पता है ऐसे लोग होते हैं, ये भी पता नहीं होता कि बाथरूम में जाना है, मुंह भी धोना है, कोचिंग में जाना है, पढ़ना भी, पता ही नहीं होता है। तो जिसको अगर पता नहीं हो कि जीवन में करना क्या है, वो क्या कुछ कर पाएगा जिंदगी में? कुछ नहीं कर पाएगा बच्चों, समझ लो। तो आपको ना जब रात में सो तो खोपड़ी को ना क्लियर पता होना चाहिए कि सुबह से जब मैं जगूंगा, मेरा आंख खुलेगा, तो मैं पूरा दिन क्या क्या करने वाला हूं, इसके लिए पूरा डेली का रूटीन होना चाहिए। कब? रात में ही बना लेना। कब? रात में ही, सोने वक्त ही बना लेना रूटीन कि कल क्या करने वाले हैं। और एक साल कट जाओ, एक साल दुनिया में तबाही मचा दोगे, तबाही, दुनिया फैम हो जाएगा। ठीक है जी, तो मेक और डेली रूटीन, प्रत्येक दिन का रूटीन बनाइए कि मुझे करना क्या क्या। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ रहे हैं तो आपको डेली पता होना चाहिए कि आज मैं क्या रिवीजन करने वाला हूं, क्या नया पढ़ने वाला हूं, क्या नया सीखने वाला हूं, समझ लो, डेली पता होना चाहिए। और इस तरह अगर तैयारी कोई करता है बच्चा, तो क्या लगता है कौन रोक लेगा इसे? मैं कहता हूं ना, इवन ऊपर वाला भी नहीं रोक पाएगा तुमको आगे बढ़ने से, वो भी आगे आ जाएगा, बोले बेटा तथास्त बढ़ो आगे, अपन भी साथ देते हैं सब, समझ लो। तो ये छठा था कि मैं का डेली रूटीन। सातवां क्या बच्चा? वर्क फॉर नॉलेज, ये बड़ी काम का चीज है, नॉलेज के लिए काम करना बहुत जरूरी है। अमिताभ बच्चन को जानते हो ना, द अमिताभ बच्चन, ये हमेशा एक बात बोलते हैं कि दुनिया में ना अगर तुम मान लो कि नेता बन गया, तो नेता बन गया तो कुछ ही दिन तक पूछ होती है, समझ लो, नेता बन गया तो कुछ ही दिन तक पूछ होती है। या किसी समाज का मतलब किसी, जैसे इस तरह अयोध्या है जहां पे राम भगवान क्या थे, राजा थे, इस तरह कहीं का तुम राजा बन जाओ तब भी कुछ ही दिन का नाम होता है, कुछ ही दिन तक। लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि आपका नाम अमर रहे, सदियों सदियों तक जाने, युगों युगों तक जाने, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो शायद लोग नहीं कर रहा है। और वो यही है, ये जो है ना, ये खोपड़ी दिमाग, इसको खाना क्यों? दो तरह का खाना होता है, एक दिमाग के लिए जिसको मन बोलते हैं, और एक शरीर के लिए जिसको तन बोलते हैं। हम लोग शरीर के लिए, तन के लिए तो दिन भर ठुसाते रहते हैं कुछ ना कुछ, मन को खिलाना शुरू करो। और मन का खाना क्या है? नॉलेज, ज्ञान, समझ लो, शिक्षा। ये तो आपको ना क्या करना है, वर्क फॉर नॉलेज। 2024 में कुछ भी देखेंगे, वीडियो भी अगर देखेंगे ना, तो इसलिए देखेंगे ताकि मैं कुछ सीख रहा हूं क्या। फिल्म भी देखेंगे ना, तो इसलिए देखेंगे ताकि मैं कुछ सीख पा रहा हूं क्या। गाना भी सुनेंगे ना, तो इसलिए सुनेंगे ताकि वहां से कुछ सीख पा रहे हैं क्या। इवन बात भी करेंगे, एक बात बताऊं, इवन रास्ता में भी चलेंगे ना, तो आंख हमेशा चौकन्ने रखेंगे कि क्या मैं कुछ सीख पा रहा हूं क्या। समाज से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है ना, किताब से ही बार बार सीखना जरूरी नहीं है, देख के भी सीख सकते हैं ना, समझ लो। तो हम देख के सीखेंगे, बोले तो हम जहां भी जाएंगे ये नहीं बोलेंगे कि मेरा समय बर्बाद हो गया, बोलेंगे अपन ने इन्वेस्ट करके आया, अपन टाइम को क्या किया, इन्वेस्ट करके आया, कुछ सीख के आया, समझ लो बच्चा। तो 2024 में तुमको नॉलेज के लिए काम करना पड़ेगा, क्या लगता है करोगे? करोगे, मेहनत लगेगा। अगर मेहनत नहीं लगेगा तो तुम बाहर में आके दुनिया को तुम दिखा भी नहीं सकते हो, है ना। एक जो आम का बीज होता है ना, बीज, तो बीज से ही क्या आता है, आम का पौधा आता है बीज से, लेकिन बीज उसी बीज से आम का पौधा आता है जिस बीज को आम का पौधा जो उसके अंदर पल रहा है ना वो फाड़ के निकलेता, लेकिन बीज को अगर फाड़ नहीं पाएगा ना वो पौधा, तो वो पौधा कभी बाहर आके एक बड़ा वृक्ष नहीं बन पाएगा और दुनिया को आम नहीं खिला पाएगा, समझ लो। आपको भी बनना है ना, तो थोड़ा सा तो तकलीफ उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा तो मेहनत रूपी काम करना पड़ेगा यार। और सोचो दुनिया इतना आसान है कि मेहनत से सब हो जाता है, मेहनत से सब हो जाता है। अगर कोई बोले गरीब मेहनत कर पाएगा तो कर लेगा, कोई अमीर मेहनत कर पाएगा तो कर लेगा, मेहनत, ठीक है। किसके लिए काम करना है? नॉलेज के लिए काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट,
इस वीडियो का कि मेडिटेशन करना शुरू करो। मेडिटेशन मतलब ध्यान, ऐसे करके मैं एक वीडियो बना के दूंगा तुमको कि ध्यान कैसे करते हैं, ठीक है। एकदम 5 मिनट ऐसे करके बैठ जाना है, देख लो ऐसे करके, ये अंगुली 3 को ऐसे रखना है, ये 2 ऐसे रखना है, और ऐसे करके पैर मतलब जमा के बैठ जाना है, और दोनों पैर के ऊपर इसको रखना है, और करने के है आपका टोटल फोकस, फोकस जो है आंख बंद करके फोकस जो करना है ना, वो आती जाते सांसों पे करना है, जो नोज के माध्यम से नाक के माध्यम से आपके सांसें आ जा रही है ना पूरा, ये दोनों आपका फोकस यहां होना चाहिए। पता है ना हम लोग का थर्ड आई भी होता है, हम लोग देखे हैं ना महादेव भगवान का, क्या तीसरा आंख यहां होता है, विष्णु भगवान का तीसरा आंख यहां होता है, इंसानों का भी होता है यार, इंसानों का भी होता है, लेकिन हम इंसान उस आंख को देख तभी पाएंगे जब हम उस पर फोकस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो तुम क्या करो आज से बच्चा, मेडिटेशन शुरू करो 5 मिनट। कैसे करना फिर से बता रहा हूं, ऐसे पूरा कर लेना है, पिथरिया आके बैठ जाना है, और 5 मिनट पूरा आती जाते सांसों पे आंख बंद करके लगाना है ध्यान, और देखना है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। क्या पता है ये होगा कि आपका दिमाग, और कितना दिन करना है, डेली करना है, 21 दिन करो आदत पड़ जाएगा, ठीक है। 5 मिनट से शुरू करो, अगर ज्यादा कर सकते हो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट चले, इससे होगा क्या, हमारा दिमाग धीरे 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 शांत होना शुरू हो जाएगा। और पता है आपको कि शेर तब ज्यादा खतरनाक नहीं होता जब वो शिकार कर रहा है, बल्कि शेर तब ज्यादा खतरनाक होता है जब वो शांत है। और शेर को तुम देखा ही होगा शिकार करते, पहले शांत रहता है, शांत रहता है, शांत रहता है, और एक बार उछल के अपना जो आहार है उसको पकड़ लेता, समझ लो। तो शेर जैसा बनना है, शांत दिमाग ही दुनिया को हिला पाता है, समझ लो, अशांत दिमाग नहीं। तो आपका दिमाग शांत हो, आपका दिमाग आपके कब्जे में हो, ये तभी हो पाएगा बच्चा जब आप मेडिटेशन करो। आप बुद्ध भगवान को जानते हो ना, बुद्ध भगवान अपने दिमाग को चलाता था, बुद्ध भगवान अपने दिमाग को चलाता था, जबकि बुद्धू लोग को, जबकि बुद्धू लोगों को दिमाग चलाता है। आप बुद्ध बनना चाहते हो कि बुद्धू, अगर आपके जहन से ये आवाज आई होगी नहीं सर अपने को तो बुद्ध भगवान जैसा बनना है, तो दिमाग को चलाना सीखो, क्योंकि दिमाग अगर तुमको चलाएगा ना तो बर्बाद कर देगा। यदि दिमाग को आप चलाओगे तो जिंदगी में आबाद कर लोगे, और जिंदगी में खुद नहीं जिंदगी में ना जाने कितने लोगों को आबाद करोगे बच्चों, समझ गए बच्चों। तो ये टोटल 8 रेजोल्यूशन मैंने आपको लिखवाया हूं, ये मैं भी ले रहा हूं इस साल, और मैं कहता हूं 7 साल तुम भी लो, अगर ले लिया तो हाई फाई करो, लिया उधर से तुम हाई फाई करो, यस लिख के बता के यस सर मैं लेने जा रहा हूं सर, और अगर लिया बच्चा तो दोनों ही चमकेंगे अगला साल, इधर से मैं भी उधर से आप भी। और सोचो जब दोनों एक जैसा रहेंगे तो कितना मजा आएगा यार, है ना, जिंदगी में कितना मजा आएगा, लगेगा ना यार अरे यार क्या जिंदगी है, एंजॉय करेंगे लाइफ, है ना, लाइफ विल बी ऑसम, है ना, मजा आ जाएगा। और जिंदगी मजे के लिए तो है, जिंदगी में बहुत सारे लोगों को सुनता होगा शिकायत करता है, अरे ऐसे हो गया, अरे जिंदगी में मजे करने के लिए आया हुआ है, और मजे करना तो ऐसा रहे कि तिरंगा खा रहे, गुटखा खा रहे, दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, मजे कर रहे, इसको मजा नहीं कहते हैं, इसको गधा कहते हैं, है ना। मजा मतलब मॉडर्न वाला, मजा मतलब स्टाइलिश वाला, और वो भी क्या जो सही हो वो वाला, है ना। तो अच्छे से बच्चा ये 8 चीज बताया है, और तुमको लेना ही है 2024 का रेजोल्यूशन, कमिटमेंट, दृढ़ संकल्प लेना ही पड़ेगा। तो ये जो 8 चीजें बताया बच्चा, आज से अपने जिंदगी में, मतलब कल से 1 तारीख से अपने जिंदगी में लगाओ, और बन जाओ एक बिल्कुल अलग तरह का इंसान, और दिखा दो दुनिया कि दुनिया हमारे मुट्ठी में है, है ना। एक मूवी के बारे में बात बताता हूं, लूसी एक फिल्म है, लूसी, लूसी इंग्लिश में आता है, वो हॉलीवुड का वो फिल्म है, उसमें एक लड़का था जो वैज्ञानिक से पूछा था कि सर कि आपने अपने दिमाग का कितना प्रतिशत इस्तेमाल किया है, तो बोला आई हैव बीन यूज माई माइंड अप टू 20%। बोला आपने 20% अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और इतना बड़े वैज्ञानिक बन गए,
अगर कोई 100% अपना दिमाग का इस्तेमाल कर लेगा तो क्या होगा? तो वैज्ञानिक बोला क्या, दे कैन बिकम साक्षात गॉड। इफ यू कैन यूज योर माइंड 100% यू विल बिकम साक्षात गॉड। मतलब जब जो बोलेगा ना तुम, तब वो होएगा, समझ लो। इसीलिए अपने दिमाग पे काम करो, नॉलेज पे काम करो, डिसिप्लिन बन जाओ, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगा। यार धीरू भाई हमारी कहां थे, कौन थे? धीरू भाई हमारे भी एक सिंपल आदमी थे यार, लेकिन दिमाग इतना तगड़ा था, माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग था और कमिटमेंट था। देखो धीरू भाई हमारे आठवां पहले इंसान कहां से कहां चले, है ना। हर वो इंसान जो गरीब फैमिली में पैदा हुआ है, अमीर बनने का बहुत बड़ा अवसर है। अवसर कमाओ नहीं, मेहनत कर करके कर करके कर करके अपने आप को साबित करो कि यस वी आर द चैंपियन, यस वी वांट टू क्रिएट हिस्ट्री, नॉट जस्ट रिमेम्बरिंग हिस्ट्री। समझो कि पैदा हुए हो ना तो दुनिया में क्रिएट करने के लिए पैदा हुए हैं, रटने के लिए नहीं, इतिहास बनाने के लिए अपन पैदा हुए हैं, इतिहास को रटने के लिए। समझ रहे बच्चा? तो इस तरह करो, इसको फॉलो करो, मिलते हैं कल परसों से, मतलब नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है बच्चा। तो जो बताया गया उसको फॉलो कीजिए अच्छे से, डिटो फॉलो कीजिए और आप एक बेहतर इंसान बन जाइए। और यदि आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करो दबा के, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अच्छे हो गए और आपका दोस्त अच्छा नहीं है तो आप कभी भी अच्छा नहीं हो सकते। इसीलिए जितना भी दोस्त वगैरह है उसके बीच इस वीडियो को शेयर करो, जितना ग्रुप में है उस ग्रुप में डालो उस वीडियो को और बोलो 2024 का न्यू रेजोल्यूशन लेना ही होगा अगर एक चैंपियन इंसान बनना है तो, ठीक है। बाकी बच्चा थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन आउट देयर। आइए नए साल में स्वागत है आप सभी का और एक धूम मचाने के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू सो मच।